हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग थोड़ा जा रहे थे मार्केट, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या करते हैं। आज अर्नो का बहुत मन है कि वो पार्क में जाए और पार्क में जाके खेले, तो हम उसको लेके पार्क जा रहे हैं और फिर देखते हैं उससे के बाद हम कहाँ जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। इको पार्क? इको पार्क नहीं, पीको पार्क। पीको पार्क? कभी भी तुम सीधा बोलते हो चिकला। टिकट ऊपर फेंक दिया, बाइक भी कट गया। तो तुमको अंदर ही नहीं जाने देंगे। कैन जी, इसने टिकट फेंका है, इसको अंदर मत भेजो। पार पहुंच गए हम। टिकट मैं खाली खाली थी। एक बार हम लोग संडे को आए थे, इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। हेलो तो कर दो। हेलो गाइस, हाय। आज सबसे पार्क, वी आर प्लेइंग इन द पार्क। टॉनी टॉनी मैं क्या बोलूंगी, मैं कितने इयर्स की हूँ? हाउ ओल्ड आई एम? 6 16। तुम्हारे पापा बोलती 16 6। हाय फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। कुछ काम था, बिजी थी, इसलिए नहीं कर पा रही थी, तो आज फिर से शुरू किया है। और आज मैं बना रही थी सोया करी, तो सोचा आपको उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए सोया करी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे बना। अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। और बहुत से नई नई रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। फूड ब्लॉगिंग है, आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है, आगे बहुत कुछ आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने सोयाबीन का बरी बॉयल कर लिया है और ये अब ठंडा भी हो चुका है। ये मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। अब ऑयल डालते हैं और सोयाबीन को हम फ्राई कर लेंगे। हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो अब इसमें हम ये सोया डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा ये नहीं चिपक रहा है। वैसे अगर आपने कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं की होती तो ये चिपक जाता है। इसके इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, आप देखेंगे बहुत हल्का सा ये जाके इस पर चिपका है। अगर हमने कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं होने दी होती तो ये पूरा ही चिपकना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये नाश्ते में पोहा बनाया था, अभी हमने नाश्ता किया नहीं है, तो फिर देखते हैं। ये हमने फ्राई कर लिया है इसको, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद। तो इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसको हम रख देते हैं फैन में ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा सोयाबीन जो है लगभग ठंडा हो चुका है, अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे दही कट, ये 2 टेबल स्पून के अराउंड होगा।
और ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मिर्ची डाल रही हूँ, वो अपने टेस्ट के अराउंड डाल लीजिएगा, और 1 टेबल स्पून मैं जीरा डाल रही हूँ। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। जीरा डाल दिया है, 1/2 टीस्पून जीरा डाल दूँगी। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा ओनियन जिसको मैंने गैस से चॉप कर लिया है, तो हमको रेड होने तक या कह सकते ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। मैरिनेशन में मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि जब मैंने सोया को बॉईल किया था तो मैंने इसमें अच्छा खासा नमक डाल दिया था, इसलिए मैंने मैरिनेशन में कोई भी नमक नहीं डाला है। और ये जो आपका है इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन होता है। मैं इसमें अच्छे से नमक डाल दे रही हूँ ताकि मुझे अब नमक की रिक्वायरमेंट ना हो, इसलिए मैंने इसमें अच्छे से नमक ऐड कर दिया है। ये मैंने दाल चढ़ाया था, ये भी मेरा हो चुका है तो अभी मैं बंद कर देती हूँ। हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे ताकि जो हमारा अदरक लहसुन का जो कच्चा पेस्ट है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें जाएगा टमाटर का प्यूरी, इसमें मैंने 1 टमाटर का प्यूरी बना के डाल दिया है। और जब तक टमाटर हमारा अच्छे से ऑयल रिलीज़ करता है तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ जार को धुल के, और मैंने इसमें एक ये हरी मिर्च ऐड कर दी है जिससे कि थोड़ा इसका तीखापन बना रहे और इसके ऑयल रिलीज़ होते तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर 1 चम्मच के अराउंड है, 1/2 टीस्पून जो है आपका लाल मिर्च है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है। सारे मसालों को डाल के फिर हम इसको अच्छे से, और ये मैंने डाला जीरा पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जब तक कि हमारा ऑयल रिलीज ना हो जाए इसको कुक होने के लिए। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें इसको छोड़ दिया है। आँच को हम फ्लेम को हम एकदम स्लो कर देंगे और फिर ये जो हमारा मैरिनेटेड सोया है इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर देंगे, ये मैंने इसमें और थोड़ा सा वाटर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ये फिर से अपना ऑयल रिलीज करें, और उसके बाद फिर हम इसमें आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इसने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया। और हमने जो मसाले डाले थे मैरिनेशन के टाइम वो भी ऑलमोस्ट पक चुके होंगे। ये बहुत ही यम्मी बनता है, तो जरूर से ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब इसमें डालूंगी गरम मसाला, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है, और जो हमारा लास्ट है वो हम धनिया पत्ती से इसको हम गार्निश कर देंगे।
और ये मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पत्ती, और ये हमारा सोया मसाला तैयार। देख रहे हैं कितना यम्मी बना है। टेस्ट करके बताइएगा कैसा बना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टिप्स है वो है कि अगर कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कढ़ाई में ना चिपके, तो उसके लिए आपको कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म होने देना पड़ेगा, जिससे कि इसमें धुआं निकलने लगे। और उसके बाद अगर आप ट्रेडिशनल कढ़ाई में बना रहे हैं तो, और अगर नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो उसको इसका कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया।